नमस्कार दोस्तों, नए टॉपिक के साथ आया आपका फिर से स्वागत है। तो चर्चा का विषय ये है कि टमाटर फ्लू हम केरला में फैल रहा है, मतलब कि फैला है, और ये बच्चों के लिए स्पेशली क्या है, घातक है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, टमाटर फ्लू केरला में, ऐसे जितने भी वायरसेस है वो केरला में क्यों फैलते हैं? क्योंकि केरला क्या है, डेवलप है बाकी राज्यों की अपेक्षा। तो केरला से लोग कहाँ जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, और सी फूड भी लोग डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है वहां पे, इस कारणों से वहां पे फ्लू वायरस ये सब फर्स्टली डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टमाटर फ्लू क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इलाज क्या है। ये बच्चों के लिए स्पेशली है जिनकी 5 साल तक एज है, और वो क्या कहता है, फैलता है। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिलिम्स की दृष्टि से। ठीक, देखते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि केरला में टमाटर फ्लू के केस रिपोर्ट किए गए, कब, कोविड के बाद, और अभी भी कुछ केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और हाल ही में WHO ने भी कहा है कि एक इसका सर्वेलेंस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तो टमाटर फ्लू है, उससे पहले कौन कौन था, मंकी पॉक्स। ठीक है, तो इसका टमाटर फ्लू नाम क्यों पड़ा, ये टमाटर से नहीं फैलता है, नहीं आप टमाटर खाना बंद कर दें, ये टमाटर से नहीं फैलता है, इसका आकार टमाटर जैसा होता है, इसकी जो चिकन पॉक्स है, मतलब कि चिकन पॉक्स जैसा ही है, लेकिन इसकी जो ये निकलती है ना, ये टमाटर जैसा होता है, इसका नाम इसलिए रख दिया इसका टमाटर फ्लू। ठीक है, पहली बात तो ये एक क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ये इसका मैंने पढ़ लिया नेम क्यों है, क्योंकि ये टमाटर शेप्ड रेड रेसेस निकलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, टमाटर फ्लू है। और ये वायरल नेचर की डिसीज है ह्यूमन में, अभी तक इसका ओरिजिन पता नहीं चला है कि कहाँ से फैला है। अगर इसका ओरिजिन आपसे पूछे कि यहाँ से टमाटर से फैलता, तो गलत है, क्वेश्चन में आए, लेकिन ओरिजिन अभी तक पता नहीं चला है कि किससे फैला है, चमगादड़ से फैला है, चूहे से फैला है, डॉग से फैला है, पिक से फैला है। ठीक है, तो इसको अब साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। ये अभी तक जो मेडिकल एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, ये अफेक्ट डेंगू और चिकुनगुनिया के बाद होता है, मतलब कि अगर किसी बच्चों को डेंगू हो गया, चिकुनगुनिया हो गया, तो उसके बाद ये जल्दी इफेक्ट करता है, और जल्दी उसको क्या करता है, संक्रमित करता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है डेंगू और चिकुनगुनिया में। ठीक है, और किनको करता है, अगर जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है उनको क्या करता है, ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसके बारे में जाना, तो ये है। दूसरा, इसके सिम्टम देख लेते हैं, सिम्टम क्या है, रेसेस पड़ जाते हैं, कोई रेड रेड वाले टमाटर शेप के इस टाइप से, और डायरिया हो जाता है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में लिक्विड की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, मर भी सकता है। और कुछ निश्चित केसों में ये भी देखा गया है कि हाथ और घुटनों का कलर, नी का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसे रेड हो गया, कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। समझ गए, ये तो सिम्टम हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई ना स्पेसिफिक कोई दवाई है, ना कोई हमारे पास वैक्सीन है। ठीक, ये अपने एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बैनिश हो जाता है। ठीक, विथ ऑन मेडिकल सपोर्ट, मतलब कि धीरे धीरे जैसे चिकनगुनिया वायरस जैसे खत्म होता है, वैसे ही क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। और यही तरीका किसके साथ है, मंकी पॉक्स के साथ है। किसी भी जो पर्सन जो इफेक्टेड है, उसके क्लॉथ और अदर आइटम को क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, ताकि दूसरे व्यक्ति में ना फैल सके। और इसको खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब कि पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, मतलब कि लिक्विड ज्यादा लेने चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। मेन प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन,
ठीक है, तो डिहाइड्रेशन को दूर करने की हमें लिक्विड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही काम कोविड में कर रहे थे, लिक्विड पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, या नींबू पानी हो गया, ठीक है, गुनगुना पानी हो गया। तो ये सारे काम है जो हमें ट्रीटमेंट के रूप में करना चाहिए। मतलब जो कोविड में हम कर रहे थे, सैनिटाइज करना, ठीक है, 2 गज की दूरी बनाना, ठीक है, उसको आइसोलेशन करना, तो ये सारे काम हम कर रहे थे कोविड में, वही काम हमको इसमें करने हैं। और बच्चों को क्लीन रखना, हाइजीन करना, गंदगी में ना खेलने देना, ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, सरकार क्या करे, हेल्थ अथॉरिटी क्या करे, स्क्रीनिंग करे, उसको ट्रैकिंग करे कि एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ गया था, सर्विलेंस बढ़ाई, अगर एयरपोर्ट पे कोई व्यक्ति आता है तो उसको अगर है तो उसको आइसोलेशन में डाल दे, तब इंडिया में एंट्री दे। तो ये सारे काम करने चाहिए। और कोई व्यक्ति को ऑलरेडी है तो वो हेल्थ अथॉरिटी को बताए कि, तो जनता की भागीदारी के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है, बिना जनता की भागीदारी के काम ये नहीं होगा। सरकार क्या करेगी, रूल बनाएगी, और जनता क्या करेगी, उनको फॉलो करेगी, समझ रहे हैं? तो ये सारे काम है। तो ये हमारा टमाटो फ्लू है, ये टमाटर है, तो इससे नहीं फैलता है, इसका भी ओरिजिन पता नहीं चला है। तो यही आज का टॉपिक था, आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।